पूर्णमल के इतिहास से। राजा सुलीभान ने आखिरी फैसला सुना दिया कि भी पूर्णमल को ले जाओ, इसको कत्ल कर जल्लादों की सुपृत कर दिया। जल्लादों ने अपनी तेगी म्यान से बाहर निकाले, नगरी में करहाट माच गया। जब पूर्ण ले चले जल्लाद, जब पूर्णमल को लेके चलते हैं तो पूर्णमल विचार करता है कि एक औरत कहां तक क्या काम करवा सकती है, वो जन्म भी दे सकती है, वो पालन पोषण भी कर सकती है और इस प्रकार का भी काम करवा सकती है। तो मुंशी राम जी ने यहां पर एक बात लिखी, पूर्णमल के मन में विचार आए, कैसे क्या कहा क्या। खेदर से 100 रुपए की मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा रंग और रागनी, हमारी बात बीसी इतिहास से। जब रानी नूना दी बार बार लड़के पूर्णमल को बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है, लड़का पूर्णमल हाथ जोड़ लेता है कि मां मां मोशी आगा बेटा बेटी जग है दास की हो से बेईमानी ने इश्क बताओ बेल नाश की हो से, कि मां इतना जुलम ना कर, मैं तेरा बेटा हूं,
मेरे पिता ने हुक्म दिया था कि जाकर अपनी माँ के दर्शन करो। मैं दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन तू तो और डालोगी। एक पतिव्रता औरत के बारे में नहीं सुना है? उसके लिए छोटी बड़ी कोई उम्र नहीं होती। लड़का पूनमल रानी नूनादी को समझाने की कोशिश करता, क्या कहता? एरी माँ बेटे पर जुल्म करे, लिए देख राम के घर शर्मा जी 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। भाई के हाथ खून में परा लो भाई के।
भाई अरे धरा लो भाई दे नवीन भाई साहब दोनों पार्टियों को 100 रुपये सम्मान सम्मान कर रामचंद्र जी छिवाड़ा से 100 रुपये सम्मान सम्मान नवीन जी 200-200 रुपये सम्मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है रफिया तो बात चले दो से हम काम चलना कोई ना घड़े दे जाएंगे गांडली से कुलदीप जी 100 रुपये सम्मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद I'm
जब पति वरता बनती पूरी से लता गए जब पति वरता बनती जस मीरा भाई पार ओ मीरा भाई पार उतरेगी वज पूज पति पत्थर ने एक सार सार थी छोटी बड़ी आदरणीय सतनारायण जी 500 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद सजा क्या होगी अब कौन सी सजा की बात कर रहे हैं अब इस यहां पर नहीं अकोर अकूड़े है कूड़े के बड़ा तेरी के लिया जैसे तू कर्म कर रहा उनकी के सजा मुकर्र है जैसे पंडित जी ने क्या बताया है क्या कहा जगन पति वरता एक सार